अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी। और आज हम अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के पांचवें लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एडवर्ब है। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार लेक्चर पढ़ लिए हैं, अब बारी है एडवर्ब की। बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, किस तरह यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, वो अल्फाज जो वर्ब को मॉडिफाई करें, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जो वर्ब को डिफाइन करता है या उसको बयान करता है, उसको आप एडवर्ब कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने स्कूल में भी पढ़ी हुई है और सेंटर्स में भी अक्सर औकात ये पढ़ाई जाती है। इतनी ही, उसके अलावा भी एडवर्ब का काम है, जैसे कि वो एडजेक्टिव को प्लस एडवर्ब यानी कि खुद अपने आप को भी बयान करते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू प्रूव करूँगा। सबसे पहले हम वर्ब तक देख लेते हैं कि वर्ब को किस तरह बयान करता है और प्लस में एडवर्ब की कितनी काइंड्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि एडवर्ब की तीन काइंड्स हैं, जैसे टाइप्स के लो, काइंड्स के लो, यूज। एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये तीन गाइड्स हैं। इस तरह आपका एडवर्ब काम करेगा, जगह के बारे में भी बताएगा, टाइम के बारे में भी बताएगा और आपके मैनर्स के बारे में भी बताएगा। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह बयान करता है। सबसे पहले एग्जांपल है, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी बनाने में इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, फर्दर जो भी आपको सही लगे। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब इसमें प्लेस की कहाँ बात हो रही है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ आई लर्न इंग्लिश एट होम, मैं इंग्लिश घर में पढ़ता हूँ, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ तक अगर आपको और लेक्चर क्लियर है तो मुझे बताएं, और उसके अलावा जो जो बात आपको ना समझ में आए वो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कि उसके बाद मैं आपको फर्दर एक और लेक्चर रिकॉर्ड करके इस पे चैनल पे अपलोड कर दूँगा। उसके बाद टाइम को किस तरह बयान करता है, अगर मैं इसी जुमले को कहूँ आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं इंग्लिश रोज़ सीखता हूँ। आप कुछ भी बना लें, मैं इंग्लिश वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार सीखता हूँ, दो बार सीखता हूँ, 2 बजे सीखता हूँ, जो भी टाइम से कनेक्ट होगा वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। अगर अगर आपसे कोई भी पूछे कि इनमें से बताएं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, तो आप इन चीज़ों को देखकर, लोकेशन होगी तो प्लेस होगा और टाइम की बात होगी तो उधर कुछ भी लगा हो सकता है, टाइम हो सकता है, डेली, जो भी इनके साथ जो है ना रिलेटेड होगा। उसके बाद लास्ट वन है, इसी जुमले को फिर अगेन ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आई लर्न इंग्लिश शार्पली, मैं बड़ी तेज़ी से सीखता हूँ। ये आपका मैनर्स है, आप किस तरह काम कर रहे हैं। तो इसी तरह तीनों एग्जांपल्स को हमने प्रूफ कर दिया।